नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आज आप लोगों को समय से मैं वीडियो अपने पोस्ट नहीं कर पाया था कि अब तक डेटा नहीं पहुंच पाया, तो थोड़ा सा इशू था, मेरा कुछ पर्सनल इशू था इसलिए नहीं पाया। चलिए अभी हम देखते हैं कि डेटा बेसिस पे क्या हो रहा है। एक्चुअली आज तो बहुत ही एक यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आया, उसका मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेटा में बड़े प्लेयर क्या पोजिशन बना कर रखे हैं, क्या उनको आज लॉस होगा या नहीं होगा, इस डेटा बेसिस पे पूरा हम एक लॉजिकल के बेसिस पे और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको कल का मार्केट का पूरा व्यूज पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको मार्केट का जो डायरेक्शन है वो लेकर चलता हूँ। यहाँ पे फ्यूचर में देख सकते हैं कि जो आपको डाउ जोन्स है यूएस 30, आपको ये लगभग 800 पॉइंट अभी नीचे चल रहा है, 832.53 पॉइंट नीचे चल रहा है। यूएस 500 भी आपको देखिए 1000 रही है और यूएस टेक, ये मैंने जितने भी आपको डाउ जोन्स के जितने भी कंपोनेंट है वो पूरी आज नीचे चल रहे हैं। सारी मार्केट आप देखें, डैक्स में आपको क्लोजिंग जो हुआ था वो भी डाउन में ही 1.3% पर क्लोजिंग हुआ है। पूरे ओवरऑल आपको देखें हैंगसेंग, ये सब भी पूरा हैंगसेंग भी नीचे में है। और इंडियन मार्केट आप देखें यहाँ पे, तो हमारी जो निफ्टी 50 है, निफ्टी इसके भी फ्यूचर हैं, आपको 114 पॉइंट नीचे चल रहे हैं अभी भी, 17810 यानी लगभग 200 पॉइंट यहाँ से नीचे चल रहा है, 206 पॉइंट आप देखें आज जो है। तो निफ्टी 50 में भी यहाँ पे पूरे 800 नंबर का है। तो डेटा बेसिस पे यहाँ पे क्या है मार्केट में जो इसका इम्पेक्ट है, केस बेसिस पे यहाँ पे इसका इम्पेक्ट आप देखें, जो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा है 8.5 से 8.3 आना है, यानी पॉवेल ने बोला है कि इस साल तक हमें ये 2% तक लाना है, बाई हुक और क्रूक 2% इन्फ्लेशन रेट ला देना है। तो अभी 3 महीना ही बचे हैं और 8.5 से 8.3 आया है, तो कैसे हो सकता है इस बेसिस पर मार्केट क्या है, ये आपको जो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा है ये मार्केट के लिए सही नहीं है, इसलिए मार्केट पूरा है इसको क्या है बैड रिएक्ट कर रहा है। और देखिए पूरे ये जो है, पहले आप देखेंगे पूरा हिस्टोरिकल डेटा, तो यहाँ पे पहले वही था 0.7, 0.3, 1.3, 1.9, 2.7, ये पूरे लास्ट तक थे। बीच में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 में भी पूरे 1.2% रहा है। तो ये पॉवेल जो पिछले भी थे उन्होंने ये बताया था कि हमें कितना है 2.2 पॉइंट के करीब लाना है, लेकिन अभी 8.3 चल रहा है, सबसे ज्यादा पूरे 2002 में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का डेटा है। और आपको नेक्स्ट है वो 13 अक्टूबर को होना है मीटिंग। तो ओवरऑल इस बेसिस पर मार्केट क्या है, यूएस का फोल्ड हुआ है और एक अच्छा खासा मार्केट में गिरावट लगभग 2.3% का है। तो देखें जो भी वर्ल्ड मार्केट है यहाँ पे क्या है, एक दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए एक इंडियन मार्केट में क्या होगा डेटा बेसिस पे, कल अगर बड़े प्लेयर का पोजिशन बना है तो क्या पोजिशन रहते हैं उसको हम देखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर फ्यूचर में देखें दोस्तों, का हमारे क्लाइंट ने क्या किया, लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर लिया, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर दिया, यानी इनका डेटा कल जो है वो भी कल बेरिश था मार्केट में, लेकिन आप देखिए यहाँ ऊपर हो गया मार्केट में, आज इनको लॉस हुआ था लेकिन आज इन्होंने क्या है मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होंगे। कल मार्केट नीचे डाउन होगा तो 16,000 शॉर्ट पोजिशन, तो 1,84,000 अभी भी इनका पोजिशन है, लेकिन कल इनका मनी फ्लो क्या है मार्केट को नीचे ले जाने की तरफ लगा, जबकि FII ने यहाँ पे देखिए पूरे शॉर्ट पोजिशन लगभग 25,000 शॉर्ट पोजिशन क्लोज कर दिया है, 6,300 लॉन्ग पोजीशन किया है। तो ओवरऑल जो इनका 66,000 था, इनको एक्सपेक्ट था कि डेटा बहुत अच्छा खासा आएगा यूएस इन्फ्लेशन का, लेकिन वो होगा नहीं, डेटा एकदम खराब आया, आपको बहुत 0.2% कुछ मायने नहीं रख सकता है जहां आपको 2 पॉइंट लेना है। तो यहां पे इन्होंने अपना पोजीशन क्या है शॉर्ट क्लोज कर दिए थे, लेकिन ये आज जो है ये ऊपर गया तो ये लॉस में रहेंगे, आज इन्होंने भी लॉस बुक किया और ये लॉस में रहेंगे। यहाँ पर प्रो ने एक अच्छा खासा काम किया है, प्रो देखिए इन्होंने लॉन्ग क्लोज करके और 6,700 ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन 3,000 से 16,000 शॉर्ट है। तो प्रो हमारे यहाँ पे पोजीशन अपना हेज करके रखे हैं, फ्यूचर में इसको देखेंगे हम, लेकिन अब अगर DII की बात करें तो DII यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हैं, एक अच्छा खासा आज इन्होंने शॉर्ट पोजीशन 8,800, तो इनको लगता है कि मार्केट नीचे रहना है और मार्केट आज देखे कि नीचे है, तो DII को यहाँ फायदा होने वाला है हमारे प्रो को, लेकिन FII को लॉस होने वाला है, FII लॉस है। तो FII कंटिन्यूस अभी लॉस कर रहे हैं, आपको आप यहाँ पे देखें कि क्लाइंट हमारे एक अच्छा खासा लगभग 84,000 से 62,000 उन्होंने कॉल की और राइटिंग करी है, 1,47,000 की राइटिंग हुई। तो ये फ्यूचर में भी आपको क्या है शॉर्ट किए हैं और कॉल के भी जो है वो राइट किए हैं, तो इनका पोजीशन बिल्कुल मार्केट में बेरिश है और अभी मार्केट इनके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बड़े प्लेयर कितना नुकसान करेंगे उस डेटा को हम देखेंगे कि बड़े प्लेयर का कहाँ तक नुकसान हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पे देखें कि इन्होंने क्या किया है, कॉल को राइटिंग करके और जो इनकी पुट की राइटिंग थी पूरा उन्होंने क्लोज कर दिया, पुट की राइटिंग, एक क्लाइंट आज एक अच्छा खासा लगभग प्रॉफिटेबल है, पुट की राइटिंग पूरा क्लोज कर दिए हैं। अब यहाँ पे FII देखिए कि FII ने कॉल की बाइंग कर ली 32,000,
यानी 183,000 इनकी कॉल की बाइंग हुई, पुट की जो बाइंग थी वो क्लोज कर लिया पूरा यहाँ पे। इन्होंने फ्यूचर में अपना शॉर्ट भी क्लोज कर दिया, पुट की बाइंग क्लोज। यहाँ पे ये क्या है, आज इनका मनी फ्लो वो आपको बुलिश हो गया, यानी ऊपर की तरफ जाने वाला पैसा हो गया जो FII का। तो यहाँ पे FII को लेकर अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। प्रो ने क्या किया है कि थोड़ा सा ये जो कॉल की राइटिंग किए थे वो थोड़ा सा क्लोज कर लिया 229,000 का, और इन्होंने एक पुट की अच्छी खासी राइटिंग कर दी है। देखिए प्रो एक पुट की अच्छी खासी राइटिंग, हमने मैसेज भी कहा था कि 18,000 पे प्रो राइटिंग कर रहे हैं। तो प्रो मार्केट जैसे नीचे जाएगा प्रो के एक अच्छा खासा नुकसान होगा, तो वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए, और बड़े प्लेयर हमारे FII भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए। तो डेटा बेसिस पे आप यहाँ पे देखें तो हमारे बड़े प्लेयर दोनों के हैं मार्केट में वो बुलिश हैं, यानी हमारे प्रो और FII दोनों बुलिश हैं डेटा बेसिस पे। और एज यूजुअल DII हमारे वही है, लेकिन DII ने थोड़ा सा शॉर्ट करके हैं। तो डेटा यहाँ पे बड़े प्लेयर का बुलिश है, हमारे क्लाइंट का बेरिश डेटा है। तो मार्केट में कल देखने को होता है कि मार्केट नीचे सस्टेन करता है कि नहीं, अभी हम ये पूरे सुबह तक ये मार्केट रिकवर कर जाता है, हमारे हिसाब से रिकवर करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन में कि कहाँ पे पोजीशन बनाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रो द्वारा एक अच्छा खासा लगभग यहाँ पे यह पोजीशन इनका जो है राइटिंग का दिखा रहा है कि इन्होंने पुट राइटिंग किया हुआ है, ये स्ट्रेंथ पूरा हमें पुट राइटिंग का दिखा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखें कि 18,000 टच करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी 38% डेटा बेसिस पे, और कॉल की तरफ से पूरा पोजीशन यहाँ पे क्लोज हो गया है। पुट राइटिंग एक अच्छा खासा लगभग 2,20,000 का पुट की राइटिंग हुआ है। तो बड़े प्लेयर द्वारा ये जो पोजीशन बनाया गया है वो कौन से स्ट्राइक प्राइस बनाया गया, आप देखें कि 18,000 पर पोजीशन सबसे ज्यादा बनाया गया, 1,18,000 पर पोजीशन बनाया है। इसके बाद आपको 18,100 पे भी, और यहाँ पे पूरी पोजीशन ये क्लोज कर दिया है। तो मार्केट जैसे नीचे आता है ये 18,000 के नीचे इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल जो है हुआ है, प्रॉफिटेबल वो लॉस में होने लगेगा। तो बड़े प्लेयर के यहाँ बहुत ज्यादा दर्द होगा, वो मार्केट को एक बार जरूर ऊपर लेके आएंगे और वो पोजीशन जरूर क्लोज करेंगे। तो मार्केट अगर वो नीचे ओपन भी होता है तो सस्टेन नहीं करेगा मेरे हिसाब से, और ऊपर ही आएगा। कल का डेटा बेसिस पर देखेंगे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, ये कॉल साइड बहुत ज्यादा कोई भी पोजीशन नहीं है। या फिर वो क्या करें कि यहाँ पे मार्केट नीचे हो तो ये कॉल की तरफ एक अच्छा खासा यहाँ पे राइटिंग कर दें और फिर वो मार्केट को उस डायरेक्शन में लेके जाएं, हमें मार्केट के लाइव डेटा में देखने पे ही पता चलेगा। तो ओवरऑल आप अगर अगले एक्सपायरी जो मंथली का है उसमें भी देखें तो मंथली एक्सपायरी में डेटा जो है वो भी आपको लगभग बुलिश इंडिकेट कर रहा है। आप देखें मंथली एक्सपायरी का भी डेटा पूरा बुलिश इंडिकेट कर रहा है। तो मंथली एक्सपायरी में भी इनको अगर कुछ होगा तो लॉस हो जाएगा। ओवरऑल डेटा यहाँ पे बड़े प्लेयर का बुलिश इंडिकेट कर रहा है, हमने यहाँ पे देख रखा है जो पार्टिसिपेंट वाई ओपन इंटरेस्ट में भी तो उनका पोजीशन बुलिश है। एक बार हम निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बन रहा है। दोस्तों देखिए बड़े प्लेयर ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान करते हैं लेकिन उसकी भरपाई ज्यादा जल्दी कर लेते हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमें मार्केट में चलना चाहिए। तो अभी आज जो है वो क्लाइंट के मार्केट जो है वो क्लाइंट के कहिए कि डायरेक्शन में है, लेकिन क्या वो वहां तक सस्टेन करता है, क्लाइंट उसको बुक करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर बड़े प्लेयर मार्केट को रिवर्स कर देते हैं, ये हमें डेटा बेसिस पे पता चल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे देखें अगर मंथली में भी तो मंथली में भी जो है वो ATM के पास पूरा पोजीशन ये यहाँ जो बड़े प्लेयर द्वारा क्या है पुट की राइटिंग किया गया, तो उनको एक अच्छा खासा नुकसान होने वाला है जो कल अगर मार्केट गैप डाउन होगा तो, और कल आपको मार्केट लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन होने वाला है। तो अभी आप 15 तारीख की एक्सपायरी देखें, यहाँ पे लगभग 15 की एक्सपायरी में माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 की एक्सपायरी है, 15 की एक्सपायरी में यहाँ पे देखें कि कॉल साइड में पूरा पोजीशन ये क्लोज है, हर एक स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पोजीशन क्लोज है, और ये आपको ATM के पास लगभग 14,940,000 आपको 800 के पास पोजीशन बनाया गया है। तो ये डेटा हमें यही इंडिकेट कर रहा है बोले से 41,000 टच करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आई भी इंडिकेट कर रहा है, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, कल भी रेंज बाउंड हमें दिखा रहा था। लेकिन न्यूज देखिए डेटा अगर न्यूज आ जाता है तो डेटा एक बार थोड़ा सा उसके लिए फॉलो नहीं होता, लेकिन बड़े प्लेयर का पोजीशन जरूर कैरी होता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखें कि हमें कैसे ट्रेड करना है तो मार्केट तो कल गैप डाउन ही होना है नीचे, तो 18,070 तक अगर आप देखें तो लॉन्ग हमें 18,070 के ऊपर होना है, टारगेट 180 का रहेगा, 210 का 300, लेकिन शॉर्ट है 18,020 के नीचे, टारगेट हमारा 830 के आसपास मार्केट आपको ओपन होगा, 830 के मार्केट ओपन होगा, और वहां से एक मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छा खासा उछाल आएगा आपको लगभग आपको 17,900 और 18,000 के पास तक आ सकता है। तो एक बार जरूर मार्केट में उछाल आएगा ऊपर की तरफ डेटा बेसिस पे। बैंक निफ्टी का भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम होगा आपको, बैंक निफ्टी में 40,700 के नीचे ही शॉर्ट होना है, तो एक बार आपको 40,600 तक हो सका आपको आए यहाँ पे और यहाँ से फिर बाउंस बैक करे। तो ओवरऑल आपको ये लेवल पे तो नहीं मिलेगा कल ट्रेड, लेकिन इस लेवल को जरूर ध्यान रखिए ताकि आपको मार्केट में पता चल सके क्या होना है। अब देखें निफ्टी में दोस्तों सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरे लाइव में अपडेट देता हूँ, प्रो क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर द्वारा क्या पोजीशन बनाया गया है,
इनका हर एक स्ट्राइक प्राइस पे देखिए, मैंने यहाँ पे बोल रखा था 923 को है कि 18,000 पे पुट ट्रेडिंग डन बाय प्रॉप, यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रॉप पुट ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये हमें लाइव मार्केट में अपने पूरे ऑप्शन चेंज के जो डेटा होता है और स्क्रीनर होता है उसमें पता चल जाता है कि वहां पे बड़े प्लेयर कहाँ राइटिंग है। तो ये इनकी राइटिंग है, आज डेटा में भी देखने को मिला कि ये राइटिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। और हमारा आप देखिए जो भी प्रीमियम ग्रुप है, जो बंदे ज्वाइन किए हैं वो क्या करते हैं कि एक अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो आप भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में देखें कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करके देता हूँ जो कि आपको यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होता है। तो ये स्टॉक्स अभी आपको यहाँ से फिल्टर होके आ जाएंगे। देखिए कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ है, बिग ब्लॉक है आपको, फिर DSL है आपको, MSFL है आपको, ये स्टॉक में TCS है, विशाल है, इसमें जाके आप देख सकते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे के लिए आप अगर यहाँ पे क्लिक करें तो इंट्राडे का स्टॉक फिल्टर होकर जाता है। ये लॉजिक, इसके अंदर बहुत सारा लॉजिक लिखा हुआ है और उस लॉजिक के आधार पर पूरे लगभग 2000 स्टॉक्स हैं वो सिलेक्ट होकर आते हैं। तो यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए भी 3-4% डेली प्रोसेस पे देख सकते हैं आपको, जैसे ICICI फार्मा है और आपको LK है ये, और SASKEN है, ये स्टॉक्स देख सकते हैं, और ये भी स्टॉक आपको जाकर देख सकते हैं टाटा स्टील से। तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन के प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको अपना कीमती समय देने के लिए। एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाई से लिया होल्ड कमीशन के टंकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उन्हीं के सलाह पर बाई से करके। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसा करता हूँ कि आपका दिन जरूर प्रॉफिटेबल होगा।